हम आपको बताएंगे फैट कैसे लगाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? फिजिकल कर रहा है। फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल तैयार कर रहे हैं फैट लगाने के लिए, स्प्लाइसिंग करने के लिए। हाँ, ये जो आप जिसको काट रहे हैं उस लेयर को क्या कहते हैं? इसे जो आप काट रहे हैं, इससे ये जो काट रहे हैं आप धागा? जी जी, धागा काट दिया आपने? ये काट दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा? प्योर निकाल देंगे इसमें से, इसमें से क्लैडिंग निकाल देंगे। जो इनर पार्ट होती है फाइबर की उसको क्लैडिंग कहते हैं ना जी। हाँ, क्लैडिंग निकाल के सेट कर देंगे हम। घर से निकल गई, अरे ये भी इससे काट देंगे, कट कर देंगे। ये मेनली गिलास की बनी हुई होती है। ये हाँ नहीं, ये जो क्लैडिंग है ये गिलास की बनी हुई है। धागा कुछ काम का नहीं हमारे, तो इसको भी काट दिया हमने। अपना फिजिकल हो गया, ये फिजिकल तैयार हो गया, फाइबर बाहर आ गई है हमारी। ये मेनली 12 की फाइबर है ये जी। और इसमें 6 ट्यूब होती है, 6 ट्यूब है इसमें, एक ट्यूब में 2 फाइबर हैं इसमें। हमने तैयार कर लिए, हाँ आप इसको फिट करेंगे। ये हमारा फैट बॉक्स है, हाँ तो ये हमारा फैट बॉक्स है। अब हम इसके एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए भी इसमें होल दिए जाते हैं, और हमने यहाँ से एंट्री कर लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये क्लैडिंग है, इसको फिक्स करने के लिए भी एक खाना बना हुआ है, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये क्लैडिंग इसमें फिक्स हो जाएगी, जिससे क्या है फाइबर खींचेगी नहीं बाहर को। और इसके हुक हमने लगा दिए, टू साइड से प्रोटेक्शन है इसकी। एक तो क्लैडिंग फिक्स हो जाती है, और ऊपर से केबल को फिक्स करने के लिए हमने नट लगा दिया है। कस लिए तो ये फिक्स हो गया है। अब हमें जिस जो ट्यूब जोड़नी है उसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही फाइबर चाहिए, एक ही S2 लगाना है। तो हमने पहली फाइबर ले ली, ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर की है, ब्लू का ब्लू ले लेंगे हम। इसमें से निकाल के उसको साइड कर लेते हैं, और बाकी लूप बना के इसी के अंदर रख देंगे हम, फिक्स कर देंगे। प्रॉपर लूप बना के, जिससे कि फ्यूचर में ये यूज हो जाए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से लूप बना के रख दिया है। तो हमने एक फाइबर ले लिए, और इसमें फिटल जो कि ये इसी के साथ मिलती है वो हम यूज़ करेंगे। इसको डाल देंगे, इसका भी डालने का भी आगे से प्रॉपर होल दिए गए हैं, जिससे कि बैंड ना हो। दो पोर्शन है इसमें कैसेट लगाने के, S2 लगाने के, तो हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ऊपर वाला पोर्शन ले लिया है, यहाँ से फाइबर निकल गई है। पीछे की तरफ से फाइबर निकल गई, ये रूटिंग कर लिए। अब हम फाइबर जोड़ेंगे इसमें। इसकी बढ़ देता भाई,
उसके बाद इसको मेजर कर लिया कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक चाहिए हमें। उसके बाद हमने इसको काटना स्ट्रिपर से, इसको कट लगाया और सीधे छिल दिया, आराम से फैबर निकल गई है हमारी। बिल्कुल। और फिर टिश्यू पेपर लिया, इसको साफ कर लिया जिससे ये गम इसके पास जो इसमें गम लगा होता है वो साफ हो जाए। फिर टाइली और एक मिनट टाइली इसको फिक्स करने के लिए फिक्स कर देते हैं। हमने फिक्स कर लिया इसको, फिक्स कर लिया इसे इधर उधर भाग गया। टाई का एक्स्ट्रा पोर्शन है जो हमने इसको कट कर दिया। अब हम पिक्टर लेंगे अपनी और इसमें स्प्लाइस करने की कोशिश स्प्लाइस करेंगे इसकी रूटिंग सही तरीके से करके। फालतू है जो ये कट कर दिए। कटर से एक बार कटर भी रख लिया, बाकी सामान भी आ गया है हमारा। ये हमारी स्प्लाइसिंग मशीन है फिजिक्यूरा की 62C ब्रांड की। ये हमने एक ब्लू का ब्लू ले लिया क्योंकि हमें एक ही S2 लगाना है इसको। और इसको क्लीन किया हमने, साफ किया और कटर से इसको ऐसे कट कर दिया। कट हो गया है, वन साइड का कट हो गया, छोटा पड़ गया तो दोबारा इसको छिल दिया है और इसको दोबारा साफ किया और इसको कट कर दिया। ये बिल्कुल 90 डिग्री में कट हो गया है। 90 डिग्री में कट होगा तभी ये जुड़ेगा मशीन में, अगर हल्का सा भी एंगल टेढ़ा मेढ़ा होता है तो दिक्कत करता है स्लाइस होने में। स्लीव ले लेते हैं, उसके बाद स्लीव ले लिया। स्लीव एक इसको बेस प्रोवाइड करती है और हम दूसरे साइड से हमने इसका स्लीव डाल दिए। इसको भी हमने स्ट्रिपर से कट किया और इसको साफ किया। हमारा फाइबर दिख रहा है, अब टिश्यू पेपर से इसको साफ करेंगे। इसको भी कट किया, 90 डिग्री में कट होना चाहिए। ये हमने मशीन में रख लिया है और हम ये स्प्लैस करेंगे। लॉस दिखा देंगे कितना स्प्लैस हो रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट जुड़ गया है, 0.1 0.01 तो उसके हाथ जुड़ गया है जो कि बहुत बेहतरीन काम हुआ है। ये जहाँ तक ये तो कटर के कटर की बात है, ये कटर कौन से ब्रांड का है एक बार दिखाने का। फिजिकोरा का है 60CT06। इसकी कॉस्ट कितनी है आपकी, कॉस्ट कितने का आता है? कम से कम है आपका 35,000 के आसपास का आता है। हीट कर दें? हाँ, अब इसको हीट कर देंगे हम। मशीन जुड़ गया है तो हमने स्लीव के साथ इसको हीट करने के लिए रख दिया। कुछ देर में हीट हो जाएगा, तो 10 सेकंड में हीट हो जाता है, हो गया अपना। 10 सेकंड के बाद हीट हो जाते बीप की आवाज़ आ जाती है, इसे खोला हमने। एक साइड कर दिया, अभी इतना ठंडा होता है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। हाँ, कुछ ही सेकंड में ठंडा हो जाएगा, तो इसको हम प्रॉपर रूटिंग के साथ ये अपना सामान बाकी रख देते हैं। इसके हम प्रॉपर रूटिंग करके हेड फिक्स कर देंगे। ये हमने स्लीप फिक्स कर दी और उसको प्रॉपर रूटिंग के साथ तैयार हुआ। और जो एक फाइबर था उसको हमने
सपाट तरीके से इसको निपट वोटिंग करके इसे फ्यूचर में यूज हो सकती है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि काट देते हैं, वो गलत बात है काटना। अब ये फ्यूचर में यूज़ करने की बहुत दिक्कत आ जाती है, दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इसलिए जो एक्स्ट्रा फाइबर है वो काटना नहीं चाहिए कभी भी। इसको प्रॉपर तरीके से लूप बना के रख दो, ये लूप बना के रख दिया है, रूटिंग हो गई है। अब इसको रूटिंग हो गई है और इसमें इसको बंद कर देते हैं, इसके साथ लगा के स्लीप लगा के इसको, जिससे कि फाइबर इधर उधर लगा, ऐसे हमारा फिक्स हो जाएगा। फिर तैयार हो गई, अब हम इसमें एस2 लगाएंगे। एस2 लगाइए, एस2 लगाना जी। कैसेट को हम नॉर्मल लगा, तो हमने कैसेट ले लिए। और कैसेट में हर किसी की कैसेट की एक लेबलिंग आईडी होती है, बिना लेबलिंग आईडी के कोई भी कस्टमर एक्टिवेट नहीं होता है, जैसे हमने इसमें लिखी हुई है, ये हमने लेबलिंग आईडी लिख दी है। कैसेट को जो नॉर्मल भाषा में हम S2 भी कहते हैं और 1:8 स्प्लिटर भी कहते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया है इसमें, वैसे कनेक्ट हो चुकी है। अब पावर चेक करेंगे हम, पावर आ जाएगी, ये पीछे से S1 से कनेक्टेड होगा तो पावर आ जाएगी। ओके, थैंक यू। मेरा फैट प्रॉपर तरीके से टंग चुका है और ये सर्विस देने के लिए तैयार है। अब इसमें होम कनेक्ट टीम आएगी और कनेक्शन कर लेगी, इससे ब्रॉडबैंड आपके घरों में चालू हो जाएगा।